हाँ ठीक है। स्क्रीन कहाँ दिख रही है? स्क्रीन में शो हो रही है आपकी? विजिबल नहीं है। नहीं, इट इज नॉट विजिबल। एक गिव मी अ मिनट। Is there any issue with you? Sir, I'm presenting the screen. I don't know why is it not, why it is not visible. Shobhakant, is there some problem with presentation of poster? नहीं, वो बस प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। मैं करूं टीम क्या? में से कोई और प्रेजेंट कर दे। हाँ, आप प्रेजेंट कर दो तरु। मैं कर देती हूँ शोभा। हाँ हाँ सर, आप कर दो। तीनों में से कोई एक प्रेजेंट कर लीजिए। Is it visible now? Yes, yes, it is visible. जूम करिए थोड़ा सा, इसको जूम करिए, थोड़ा सा जूम करिए, हल्का सा जूम करिए। यू कैन स्टार्ट। तारू थोड़ा सा जूम करिए फिर स्टार्ट करिए। आ गया। ओके ओके ओके, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सर। प्लस करके थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, हल्का सा ऊपर प्लस पे क्लिक करिए, हल्का सा तो हल्का सा जूम थोड़ा और जूम कर दीजिए। हाँ, और थोड़ा सा। ओके गुड सर, मैं स्टार्ट करूं? यस प्लीज। सुबह स्टार्ट करिए, मैं मैनेज कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि खामोशियां भी बोलती हैं। बैनर लाइए, बैनर नहीं शो। सर मैं रुक जाऊं अभी? ये जाकिर हाउस का लोगो दिख रहा है, बैनर तो लाइए। हाँ आप लाइए, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, शो शो हो रहा है। स्टार्ट प्लीज। थैंक यू सर। लोग कहते हैं कि खामोशियां भी बोलती हैं, और इन्हीं बोलती हुई खामोशियों की एक किस्म है पोस्टर। वो पोस्टर्स जिनको अल्फाजों की जरूरत नहीं होती, एक नजर भर देख लीजिए जनाब, वही काफी है। वैसे ही सारी बातें कर डालती हैं। ए वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, रिस्पेक्टेड जजेस, कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। टुडे वी शना खान, सवाना अंजुम एंड माई सेल्फ शोभा कांत पाठक, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जाकिर हाउस, आर हियर एज द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट आवर पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम। The topic for the day is मेरा घर मेरा स्कूल। सब कुछ समय के अनुसार सही चल रहा था। 2020 के वर्ष में कोरोना जैसे विषाणु ने पूरी दुनिया का समय चक्र ही घुमा दिया। जब पूरी दुनिया घरों में सुरक्षित थी, जब पूरी दुनिया ने घरों के दरवाजे बंद कर खुद को सुरक्षित किया था, तब हर शिक्षक व सरकार के सामने एक सवाल था कि हम अपने विद्यार्थियों को की एजुकेशन कैसे बाधित होने ना दें। कोविड से पढ़ाई पर ना लग पाए धूल,
अपने घर को बनाया मैंने अपना स्कूल। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने मेरा घर मेरा विद्यालय नाम से एक स्कीम वाराणसी में लॉन्च करी। बेसिकली दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन 2020 ड्यूरिंग द पैंडमिक व्हेन ऑल स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर शट। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू फैसिलिटेट लर्निंग थ्रू एंशियंट गुरुकुल स्टाइल अमिड नेचुरल सराउंडिंग्स। इट वॉज स्टार्टेड विद एन एम टू प्रोवाइड ए स्कूल लाइक एनवायरमेंट एट होम थ्रू डिजिटल मीन्स। कोविड में ना खुल पाए चर्च ना देवालय, ऑनलाइन कक्षाओं ने बना दिए घर ही विद्यालय। जैसा कि हम इस पोस्टर में भी देख सकते हैं, उस समय जब बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे थे तो विद्यालय बच्चों को पहुंचाना आवश्यक था। कोरोना महामारी ऑनलाइन से बेहतर भूमिका निभाई। आधुनिक युग में इंटरनेट के माध्यम से अनेक आईसीटी टूल्स सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे जी मीट जूम बेवेक्स के जरिए हम अपने ऑनलाइन एजुकेशन को पूरा कर पाए। उस समय जब स्टूडेंट्स के पास ना तो अच्छे शिक्षा के साधन थे ना ही अपने लिए अच्छे शिक्षा के साधन जुटा सकते थे, वैसे समय में मेरा घर मेरा विद्यालय जैसे स्कीम के जरिए टीचर खुद भी बच्चों के घर जाकर बच्चों को शिक्षित कर रहे थे। इससे वैसे विकट परिस्थिति में भी बच्चों की शिक्षा पर आँच नहीं आने दी गई, जिसका श्रेय हम कहीं ना कहीं मेरा घर मेरा विद्यालय जैसे स्कीम को भी दे सकते हैं। एजुकेशन को और सुगम बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया तहत कई सारी योजनाएं लाई, जैसे स्वयं ओ लैब्स निष्ठा दिशा। ऑनलाइन क्लासेज ने हमें ये भी सुविधा दी कि हम लर्निंग के पेस को लर्निंग एट और ऑन पेस हम सीख सकें इससे। और हम लैपटॉप जैसे हम देख सकते हैं कि लैपटॉप फोन्स के बैटरी जैसे हमेशा चार्ज रहते थे लॉकडाउन के दौरान, वैसे भी हमारा जज्बा भी हमेशा चार्ज रहे, हमारा हाई रहे। और हम जेएमआई के अंदर भी जामिया के अंदर भी देख सकते हैं कि कैसे हम पढ़ाई के साथ साथ सीसी एक्टिविटीज को भी मैनेज कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा पोस्टर आप लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाने में कामयाब रहा होगा। और इससे इस पोस्टर के जरिए हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है अपने एजुकेशन पर, आज कैसे हमें नहीं आने देना है, हमें कैसे गंभीर परिस्थितियों में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना रास्ता निकालना है। तभी तो कहते हैं वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धार आए प्रतिकूल ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज़ाकिर हाउस, इट इज ब्रिलियंट। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ टीम 2 टू प्रेजेंट देयर पोस्टर्स ऑन द थीम 2 दैट इज स्कूल वापसी और बैक टू स्कूल। तो सबसे पहली प्रेजेंटेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अजमल हाउस को। So Ajmal House, please present your poster. Just a minute, main abhi karti hu. Is there any technical issue? Just a minute. हम अभी दूसरे डिवाइस से कर रहे हैं, इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है. Just a minute, आफ़रीन. Okay. खान, यदि ज्यादा समय लग रहा है तो हम अगली टीम को बुला सकते हैं क्या? इट्स
मैम अब मेरी स्क्रीन शो हो रही है जी? यस यू कैन प्रेजेंट। ओके हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज़ेबा खान है, मैं अजमल हाउस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं टीम टू से हूँ। तो आज की प्रेजेंटेशन की जो शुरुआत है मैं एक शेयर के साथ करना चाहती हूँ। ऐसी तरक्की पर तो रोना बनता है, ऐसी तरक्की पर तो रोना बनता है जिसमें दहशतगर्द कोरोना बनता है। आप सबको याद होगा 22 मार्च 2020 का वो दिन जिस दिन पहली बार लॉकडाउन लगा इंडिया में। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन लगते ही हमारी जिंदगी में एक चेंज आया, हमारी जिंदगी थम सी गई। स्कूल, मार्केट्स, सारी चीजें जो है एक एक करके बंद हो गई, तो हमारी जिंदगियां एक केज में सीमित सी हो गई। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो थीम है आज का वो है स्कूल वापसी। तो स्कूल वापसी क्यों जरूरी है मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ आपको। कोरोना पीरियड में धीरे धीरे सारी चीजें डिजिटलाइजेशन की तरफ चली गई, हम एक केज में बंद हो गए, हमारा जो स्टूडेंट है, हमारे जो एजुकेशन है वो सिर्फ डिजिटलाइजेशन हो गई, जिसकी वजह से हम अपने फोन लैपटॉप्स पे डिपेंड हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी चीजें हमें सोशल मीडिया से जोड़ते गए। सोशल मीडिया की इस मोह माया में हम इस तरीके से उलझ गए कि हम धीरे धीरे स्टूडेंट्स पढ़ाई को निग्लेक्ट करने लगे। तो इसलिए इधर यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट बनाया है जिसको दिखाया है कि वो एक केज में बंद है, वो अपने घर में बंद है फिर भी वो एक केज में है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई को भी निग्लेक्ट कर रहा है। किस तरीके से, जैसे अब हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे, तो ऑनलाइन एग्जाम्स के दौरान हम क्या कर रहे थे, हमारा ओपन बुक एग्जाम चल रहा था, हम बुक खोलते थे और लिख देते थे, जिसकी वजह से हमारे सोचने की लिखने की क्षमता जो थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई और हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट है जो कि केज में दिखाया है, क्योंकि हमारी थिंकिंग, हमारी जितनी भी स्किल्स थी मुझे लगता है कि वो एक दायरे में कैद हो गई, जिसे निकालना, जिसे उभारना बहुत जरूरी है और वो स्कूल वापसी पर ही हो सकता है। दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं, नीचे दिख रहा है आपको कि वहां पे एक घर का माहौल दिखाया है, एक हमारा एनवायरमेंट दिखाया है जहाँ पे, जहाँ छोटे छोटे घर है, कई सारे लोगों के पास वन स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही रूम में वहां पे उनको पढ़ना पड़ रहा है, वहां पे उनके पेरेंट्स भी एडजस्ट कर रहे हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी एडजस्ट कर रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनका वर्क स्पेस भी वही है, उसी में उनको पढ़ना पड़ रहा है, फैमिली इशूज एंड इन सबको फेस करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन भी लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इन सब चीजों से हटकर हमें बाहर निकलना है, क्योंकि स्कूल जैसी एजुकेशन हमें कोई नहीं दे सकता, स्कूल जैसी एनवायरनमेंट हमें कोई नहीं दे सकता। जो स्कूल एनवायरनमेंट होता है वहां पे हम सीखते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, जो चीजें हम वहां पे सीखते हैं वो अपने घरों पे नहीं सीख सकते। और उसके बाद अब हम स्कूल की तरफ बढ़ेंगे, तो जब हम स्कूल जाएंगे तो वहां पे हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, हमने इन सब चीजों को दिखाया है कि जब हम स्कूल में जाएंगे तो वहां हमें रेगुलर अपने हैंड वॉश करने हैं, हमें जब भी स्नीजिंग कफिंग हो तो थोड़ा सा खुद को अवॉइड करना है, घरों पे रखना है। और लास्ट में मैं एक पोयम से अपनी इस प्रेजेंटेशन को ओवर करना चाहती हूँ। अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, तुम खाक के जर्रों को भी इंसान बना दो, कांटों को छाट के अलग काट फेंको, तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो, तुम इल्म तो हो, इल्म तो फिर क्या नहीं अमका में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। और ये इल्म हमें स्कूल से ही मिल सकती है, क्योंकि स्कूल जैसा एनवायरनमेंट हमें कहीं नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच। रिमार्केबल परफॉर्मेंस अजमल हाउस। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अंसारी हाउस फॉर देयर प्रेजेंटेशन। Is my screen visible? Hello, assalamu alaikum. Is my screen visible? Start, please start. Okay. So here in this post, assalamu alaikum. I, Sadaf Khan, be it first year student from Ansari House, is going to present this poster which is made by team 2. So our topic is back to school. So जब हमने इस back to school का poster देखा तो हमारे दिमाग में जो ideas आए हमने उन्हें represent किया है, जैसे कि हमने starting में एक बच्चे को mask पहना हुआ दिखाया है,
इस मास्क में बहुत कुछ छुपा हुआ है. एक कैच छुपी हुई है, वो अपॉर्चुनिटीज जो बच्चा मिस कर रहा था, वो प्यार, वो मोहब्बत जो स्कूल देता था वो मिस कर रहा था, उसे रिप्रेजेंट किया है. नाउ नेक्स्ट कम आता है याद मुझको स्कूल का जमाना, वो दोस्तों की सोहबत, वो कहके लगाना. अब वो उस टाइम को याद कर रहा है जो उस टाइम पे वो अपने दोस्तों के साथ रहता था, कहके लगाता था, रास्ते में खेलता कूदता जाता था और अपने दोस्तों से सीखता था. नाउ कम्स वेलकम रेडी टू स्कूल. यहाँ पर हमने प्रिपरेशन दिखाई है स्कूल की, कि बैग कैसे रेडी हो रहा है. जो बैग इतने टाइम से बंद पड़ा था, सिर्फ मोबाइल से चुपके हुए थे, जो कि काफी हार्मफुल चीज है टेक्नोलॉजी की, तो हमने उस बैग को रेडी होता हुआ दिखाया. यस, चिल्ड्रन आर रेडी टू लर्न, दे आर रेडी टू बिगिन. नाउ गुड बाय वेकेशंस, हेलो टू स्कूल. गुड बाय वेकेशंस, दे आर कितने कीनली वो कह रहे हैं कि गुड बाय वेकेशंस. क्यों? क्योंकि वो वेकेशंस जो थी वो बोर्डम थी. उन्होंने उन्हें एंशियस करा, उन्होंने उन्हें काफी सारी अपॉर्चुनिटी से रोका, उन्होंने कम्युनिकेट करने से रोका, जो कि लर्निंग का सबसे बेसिक एलिमेंट है. उसके बाद वो कह रहे हैं हेलो टू स्कूल. यहाँ पर हेलो टू स्कूल का इतना वेलकमिंग करा जा रहा है, क्यों? क्योंकि उन्हें रियलाइज हो रहा है स्कूल का इम्पोर्टेंस. जब वो बेसिकली जिस चीज की हम तमन्ना करते थे, हमें स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, नाउ दे आर सेइंग हेलो टू स्कूल बिकॉज दे आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. देन कम्स जूते पहनो यार, स्कूल चले हम, रास्ते की सैर, खाते हुए बेर. दिस शोज दैट हाउ द children, they try to make their journey creative, and because of that creativity, they learn. जब वो नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं अपनी स्कूल की जर्नी में, आते जाते हैं, वो लर्न करते हैं, और उस इनोवेटिव आइडियाज की वजह से ही समाज में एनर्जेटिक फैलता है, और समाज एनर्जाइज होता है, समाज क्रिएटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है. नेक्स्ट कम टेक्नोलॉजी. इसमें बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजी है ये काफी नहीं है, मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है वो काफी नहीं है बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि बच्चों को टीनेज ईयर्स हैं, बेसिकली स्कूल के टीनेज ईयर्स होते हैं, तो बच्चों को प्यार मोहब्बत चाहिए होता है, वो टेक्नोलॉजी कभी नहीं दे सकता. तो हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को कम बताया है और टीचर्स को ज्यादा, जो बच्चे बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि टीनेज ईयर्स में बेसिकली टीचर्स बहुत मोटिवेट करते हैं ऑन डेली बेसिस, तो हमने उसे बताया. और एंड में हमने बताया कि बच्चे दुआ कर रहे हैं कि हम वापस एक्साइटेड हैं स्कूल आने के लिए. थैंक यू सो मच. मैग्निफिसेंट वर्क अंसारी हाउस, थैंक यू वेरी मच. तो अब मैं प्रेजेंटेशन के लिए दावत देती हूँ आजाद हाउस को. आजाद हाउस, प्लीज कम एंड प्रेजेंट योर पोस्टर. गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम लाइबा फ्रॉम आजाद हाउस. मेरे टीम मेंबर्स टीम टू से हैं मारिया, कहकशा और मैं. मारिया मेरा पोस्टर प्रेजेंट करेंगे जो मारिया ने खुद बनाया है, और मैं उस प्रेजेंटेशन को पेश करूंगी. द थीम ऑफ आर पोस्टर इज बैक टू स्कूल. स्कूल बेल्स आर रिंगिंग लाउड एंड क्लियर. कोरोना इज ओवर, स्कूल इज हियर. Starting a new school year is always full of emotions, and especially during a pandemic where the school students were even unaware of their classmates. In our poster, as you all can guess on the left side, we have tried to show how things went so unnoticeably different for students. Millions of students carried on masks to survive. भारत में कोरोना के कारण लॉकडाउन से विद्यालय बंद होने के कारण करीब 250 मिलियन छात्र प्रभावित हुए. इन द मिडल वी हैव ट्राइड टू शो दैट ड्यू टू कोविड एजुकेशन हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली विद द डिस्टिंक्टिव राइज ऑफ ई लर्निंग वेयर बाय टीचिंग वॉज अंडरटेकन रिमोटली एंड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. Although e-learning had tried its best to not put a pause on children's education, but there were hundreds of challenges that students have faced due to e-learning. Some students without reliable internet access and technology struggled to participate in digital learning. This gap was seen across countries and between income brackets within countries. For example, whilst 95% of students in Switzerland, Norway, and Austria have a computer to use for their schoolwork, only 30% of in Indonesia do, according to OECD data. सीधे हाथ की तरफ अपने पोस्टर में हमने दिखाया है कि विद्यार्थियों की फाइनली स्कूल वापसी हो गई है, but they have several rules to follow, like they have to maintain social distancing, frequently wash their hands, wear masks, and their body temperature is frequently noted.
So this was all about our posters presentation. Thank you so much. Brilliant work, Azad House. Thank you very much. Now I would like to call Gandhi House for their presentation. So Gandhi House, please present your poster. Hello, Assalamu Alaikum. Is my voice visible? Yes, your voice is audible. Yes. Assalamu Alaikum everyone. Good afternoon. मैं सना अली from Gandhi House Team 2 और हमारा topic है back to school जिसको हम present करना जा रहे हैं. तो screen share हो रही है? Please share the screen. तो हमारा पोस्टर है बैक टू स्कूल पे जिसको बनाया है शीनम महक ने और आइडियाज दिए हैं मैं यानी सना अली और विनी विल्सन ने. अजय साहब आपका माइक ऑन है. प्लीज कंटिन्यू योर प्रेजेंटेशन. बैक टू स्कूल. ओके सर. बैक टू स्कूल के दो एस्पेक्ट हैं. पहला जो बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं यानी कि उनके किसी कारण से बीच में पढ़ाई छूट जाती है और दूसरा जो हमने इसमें दिखाया है लॉकडाउन पीरियड के बाद वापसी लेते हुए बच्चे. हमने अपने पोस्टर में लॉकडाउन पीरियड को दिखाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन स्टडीज की हैं. बहुत सब ने की हैं क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज सब बंद हो चुके थे और जिसके कारण सब कुछ डिजिटल हो गया. इसके कुछ अपनी एडवांटेजेस थी और कुछ डिसएडवांटेजेस. जहां हमने अपने दोस्तों को खोया वहीं हमने पढ़ाई के बोझ से भी थोड़ा हमें छुटकारा मिला. तो हमने अपने इसमें दिखाया है ऑनलाइन स्कूलिंग. मैं जिंदगी का हर दुख भूल जाना चाहता हूं. मैं फिर से स्कूल जाना चाहता हूं. हमारे सभी बच्चे आजकल यही कहते आपको नजर आते हैं क्योंकि इसके बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई है. अब जब कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है तो स्कूल भी खुलते जा रहे हैं. इसके बाद हमने दिखाया है अपने पोस्टर में कि बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं और वो वापसी कर रहे हैं लेकिन कोरोना के सारी इसके साथ प्रिकॉशंस के साथ मास्क देख सकते हैं आप बच्चों ने लगाए हुए हैं हैंड सैनिटाइज. अब बच्चे दोबारा स्कूल जाना चाहते हैं वो पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज मिस की हैं. जहाँ पे बच्चों की फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है वहीं उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत डगमगाई है. कहीं परिस्थितियां ऐसी नहीं थी आर्थिक स्थिति कम होने के कारण बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिली. तो हमने अपने पोस्टर में यही दिखाया है और हमने अपने पोस्टर में दिखाया है कि टीचर्स कैसे बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं उनको सैनिटाइज करवाने में मास्क पहनने में और भी सब चीज़ें दिखाने में. और बच्चे उत्सुक हैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं. वो चाहते हैं कि हम अब स्कूल जाएं क्योंकि इतने लंबे वेकेशंस के बाद वो थक चुके हैं. उनके पीयर रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं. बच्चे एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं. तो हमने ये अपना दिखाने की कोशिश की है. इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आता है मुझे याद वो गुजरा हुआ जमाना वो स्कूल की बहारें वो दोस्तों का मुस्कुराना. थैंक यू सो मच. ग्रेट इमेजिनेशन गांधी हाउस. थैंक यू वेरी मच. अब मैं प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना चाहूंगी मुजीब हाउस को. सो मुजीब हाउस प्लीज प्रेजेंट योर पोस्टर्स. यस श्योर जस्ट अ सेकंड. Afreen, up mute. जी मैम. मैम अब शीना अपना प्रेजेंट करेंगी. स्टार्ट कीजिए. यस सर जस्ट अ सेकंड. Start please, Sheena. Yes, sir.
Good afternoon, everyone, the teachers and my respected chief guests. I, Sheena Parveen Ansari, with Muslima and Nasreen from Team 2 of Mujib House. Uniform, shoes, tie and bag, the best attire I can wear. My smile is bright today, not just lessons and books. We're going to have fun and break the rules. So, in this note, we can understand that our topic is back to school. Due to COVID-19, school is all over world was shut down, and during that time we came up with extraordinary game of technology, online classes. But after counting 1,000 benefits of online classes, students still love their physical school. Physical school not just teaches lessons and exercise of books. It teaches, educates. It teaches about how to present yourself in society. It teaches lessons of life. And besides teaching, school is a building of memory. School is a building of cultural exchange. जैसा कि हमारे पोस्टर में हमने दिखाया है कि ये जो हमने पोस्टर बनाया है, हमने कोविड के बाद जो बच्चों का स्कूल अब खुला है उसके ऊपर बनाया है। तो यहाँ पे सबसे मेन जो मकसद अब स्कूलों में है वो है वेयर योर मास्क। सभी बच्चों को कंपलसरी हो गया है कि वो अपने मास्क पहन कर रखें। बट हम ये जानते हैं कि ये कोविड हमें काफी परेशान करा है, इसलिए 2 गज दूरी बनाए रखनी है। इसलिए स्टूडेंट स्कूल के आए हैं लेकिन दूर दूर बैठे हैं। उन्होंने सारे प्रिकॉशंस को फॉलो किया है। Too many hands in tiffin box. After corona, we can't share our lunch box due to safety or hygienic reason. Teachers teach to the student that we wash your hands or wear your mask and maintain one meter distance. स्कूल तो खुल गए हैं लेकिन कुछ प्रिक्वेशंस लेनी जरूरी है, तो यहाँ पर हमने वो सारी प्रिक्वेशंस दिखाई गई हैं। यहाँ पे हमने हैंड वॉश, वॉश योर हैंड्स दिखाया है। आज फिर वापस लौटना है। अधूरा छोड़ा हुआ किस्सा पूरा लिखना है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। क्लास में बैठकर मुझे दोस्ती का अफसाना लिखना है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अपना पोस्टर दिखा पाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Outstanding, Nehru House. Thank you very much. और I'm sorry, it was Mujib House. Thank you very much. और अब मैं presentation के लिए दावत देती हूँ Nehru House को. Nehru House, please present your posters. Okay, let me give some time. Start. Yes, sir. Just a minute. Sadia, can you share the screen? Yes, I can. Okay, please. Actually, there is some technical issue. Mat karo. Yeah. Is there any technical issue? It's just sharing. Okay, start for right now. Yes. Then start. Okay. Hey, assalamu alaikum to everyone. मैं नौशाद अंसारी, नेहरू हाउस और अपनी टीम की तरफ से आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि अपने पोस्टर और अपने मैसेज को आप सबके समक्ष में प्रस्तुत कर सकूं। मेरा टीम टीम 2 है ऑफ नेहरू हाउस, जिसमें फातिमा सानी और सादिया नुजहत मेरी साथी थी। इस पोस्टर को मैंने स्वयं तैयार किया है और इसके लिए आइडियाज़
मेरी साथी सादिया खान सादिया नुजहत और फातिमा सानी ने दिया है। तो मैं इस कोट के साथ स्टार्ट करूंगा क्योंकि जैसा इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि कॉर्नर में बादल और सूरज दिख रहे हैं, तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं कि कोरोना के बादल जैसे जैसे हटते गए वैसे वैसे ज्ञान का प्रकाश जग में फैलता गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 साल के कोविड महामारी के बाद बच्चों की स्कूल में वापसी हुई और वही टॉपिक हमें दिया भी गया आज कि बैक टू स्कूल, तो इसी पे मेरा पोस्टर आधारित है। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसा मैंने एक स्कूल बनाया है, स्कूल में जैसे ही हमने रियलिस्टिक भी देखा होगा जब स्कूल खुला तो वहाँ पे स्कूल के दीवारों पे स्कूल के गेट्स पे पोस्टर लगे हुए थे वेलकम बैक एंड देन वियर मास्क वॉश योर हैंड ठीक है कीप डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हमें विद्यालय में देखने को मिली। तो जैसे ही ये टॉपिक मिला मेरा ध्यान सिर्फ इसी पोस्टर को गया कि मुझे यही बनाना है आज। फिर मैंने पोस्ट हाउस ये जो स्कूल है उसके नीचे मैंने 2 पेंसिल्स और उसके ऊपर मैंने बच्चों को दिखाया है, ये प्रेडिक्ट करता है जैसे हम स्कूल जाते थे तो हम अपना गेट देख के बहुत खुश होते थे कि उस स्कूल के गेट पे सर्व शिक्षा अभियान लिखा होता था और उस पर 2 बच्चे रहते थे, एक लड़की और एक लड़का, तो बहुत खुशी होती थी कि ये हाँ लड़के और लड़कियां सबको पढ़ने का अधिकार है। तो ये मैसेज हमारा ये प्रेडिक्ट करता है। बाएं साइड में एक लड़का है उसके हाथों से स्टार हाथों के पास स्टार है, वो स्टार को छूने की कोशिश कर रहा है शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन के एरा में हम देख रहे थे कि बच्चों के स्कूल बंद हो चुके थे और उनके सपने कहीं ना कहीं घर तक ही सीमित हो गए थे। तो कमिंग बैक टू टॉपिक कमिंग बैक टू स्कूल, उनके सपनों को फिर से एक पर मिले ताकि वो एक उज्जवल भविष्य की कामना कर सके। ऐसे ही राइट हैंड साइड में मैंने लड़की को प्रेडिक्ट किया है इस पोस्टर में। इसमें लड़कियों का जैसे लड़कियां बहुत कोमल हृदय की और बहुत सुलझी हुई होती हैं जिनको प्रकृति और वातावरण से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। उसके बाद ये चेन मैं दिखाना चाहूंगा, इसमें बैग जैसे ही हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो बैग पेंसिल बुक्स हमें अलार्म क्लॉक दिखता है ठीक है, इसके जरिए हम अपना स्कूल के कॉन्सेप्ट को हमारे अंदर आता है। उसके बाद ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के जरिए मैंने ये ग्रीन लाइट दिखाया है जिससे ये प्रेडिक्ट हो रहा है कि अब हम स्कूल जा सकते हैं, लेट्स गो टू द स्कूल, फिर से हम स्कूल जा सकते हैं। तो इसी के माध्यम से मैं अपनी प्रस्तुति को समाप्त करता हूं। जैसा कि इस प्रस्तुति को मुझे नहीं लगता कि मुझे शब्दों की जरूरत होगी इस प्रस्तुति को इस चित्र को प्रस्तुत करने में, क्योंकि चित्र ज्यादा कहते हैं शब्दों के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। आउटस्टैंडिंग वर्क नेहरू हाउस, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल सैयदैन हाउस फॉर देयर प्रेजेंटेशन। सैयदैन हाउस प्लीज प्रेजेंट योर पोस्टर। यस 1 मिनट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं नसरुद्दीन सैयदैन हाउस की तरफ से अपने पोस्टर को प्रेजेंट कर रहा हूँ। पोस्टर मेरे ग्रुप मेंबर नशिया सुल्ताना प्रेजेंट कर रही है और मैं अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर पवन के फ़ोन से प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है। तो मैं सैयदैन हाउस से नसरुद्दीन अपने ग्रुप मेंबर नशिया सुल्ताना सालेहा सईद मैं अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत इस छोटी सी कविता से शुरू करना चाहता हूँ। चलो कुछ दर्द हम भूल जाते हैं, आज फिर से हम स्कूल जाते हैं, रोक ना सके हमें कोई जंजीरें, वक्त का पैगाम आज साथ लिए जाते हैं। ऐ जिंदगी मेरे स्कूल वाले ख्वाब लौटा देना, मेरे बिछड़े दोस्तों को मुझसे मिला देना, बंदी से एहसास से बढ़कर नहीं होती, मेरे गुरु से मुझे बस दर्शन करा देना। चलो कुछ दर्द हम भूल जाते हैं, आज फिर से हम स्कूल जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल के कारण ये हमें 2 साल 2 जन्मों के जैसे प्रतीत हुए। इसमें सबसे बड़ा नुकसान उन स्टूडेंट्स का हुआ जो स्कूल जाते थे,
भले ही हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस एक अल्टरनेटिव बनी, परंतु ये कहना गलत नहीं है कि उन्हें स्कूल का वो पुराना वातावरण शायद ही मिला होगा। कोरोना के कारण जब से स्कूल बंद हुए हैं तो सिर्फ स्कूल ही नहीं, उसके साथ बंद हुई है खुले वातावरण में बच्चों के स्कूल में, स्कूल बंद होने के साथ ही बंद हुई हैं उनकी खुशियाँ, ताले लगे हैं उनकी खुशियों पर, उनका खुले वातावरण में खेलना और प्रकृति के साथ मिलना जुलना, जिससे न सिर्फ उनके शारीरिक बल्कि मानसिक में भी रुकावट। अब जबकि हालात कुछ सुधर रहे हैं, स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं, बच्चों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, जैसे कि हम पोस्टर में देख रहे हैं कि वो बच्चे जो शायद ही स्कूल जाने से कतराते थे, आज वही बच्चे खुशी के साथ अपना बैग लिए स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में कह रहा बैक टू स्कूल, बैक टू लाइफ। थैंक यू। वेल डन सैयद डैन हाउस, थैंक यू वेरी मच। और सबसे आखिर में मैं बुलाना चाहूंगी जाकिर हाउस को। जाकिर हाउस, प्लीज प्रेजेंट योर पोस्टर। सर आप फॉर्मल पर देखा है आपको फोटो में और बाकी फोटो से सब भेजे गए थे, आप बस आप ही भेज रहे हैं। ओके स्टार्ट प्लीज, जाकिर हाउस प्लीज स्टार्ट। Assalamu alaikum. Hello everyone. I am Sumaya Nayyar from Zakir House and our team number is 2. Poster made by Zainab DLED Urdu Medium. Ideas given by Shirin Jahan B.Ed General Urdu Medium. And I Sumaya Nayyar B.Ed General Urdu Medium presenting here my team on topic Back to School, School Vapsi. Zindagi ke safar mein kabhi kaante kabhi phool. Zindagi ke safar mein kabhi kaante kabhi phool. Zindagi savarne ko vapis chale school. As Malala Yousafzai said, let us remember one book, one pen, one child, one teacher, and one teacher can change the world. School ek aisa taleemi idara hai jise asatiza ki hidayat ke mutabik talaba ko padhne ke liye seekhne ka mahol faraham karne ke liye design kiya gaya hai. COVID-19 pandemic ne taleem ke shobe mein gair mamooli khalal dala hai jisse Hindustan mein 286 million tak ke bachchon ki education mutasir hui hai. Bachchon ko guzishta saalon mein सीखने में जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा है। 1 अप्रैल मुल्क गिर लॉकडाउन के उरूज पर 194 से जायद ममालिक में दुनिया के तकरीबन 91% तलबा स्कूल से बाहर थे। इसकी वजह से दुनिया भर के बच्चों की जिंदगियों, सीखने और उनके सेहत में बेपनाह खलल वाक़े हुआ है। अगरचे हमें यकीनी तौर पर खुशी मनानी चाहिए कि कुछ बच्चे स्कूल वापस आ गए हैं, सीख रहे हैं और गर्म पके हुए मिड डे मील से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमें ये यकीनी बनाना होगा कि वो सब स्कूल वापस जाएं। हमें ये भी यकीनी बनाना होगा कि बच्चे अपने असातिज़ा से सीखें और अपने दोस्तों के साथ तफरी करें। बच्चे दिन ब दिन बेजार होते हो रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए स्कूल वापस आ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से मुतासर होने के सिलसिले में खौफज़दा हैं। बच्चे अपने वालदैन और अपने भाई बहनों के साथ लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जबकि साथ ही साथ अपने असातिज़ा, अपने दोस्तों और अपने आम जिंदगी को याद कर रहे हैं। जैसे कि 11 साल डेलिया स्ट्रिंगर ने कहा, एवरीवन नोज लिल सिस्टर्स आर एनोइंग, लिल ब्रदर्स आर टू। और बहुत से बच्चे स्प्रिंग ब्रेक, फील्ड ट्रिप्स, फेयरवेल्स, ग्रेजुएशन सेरेमनी जैसी एक्टिविटीज पर से महरूम होने पर मायूस हैं। इसी तरह एक बच्चे लॉस एंजलिस ने कहा, आई एम होपिंग दैट थिंग्स विल बी नॉर्मल समडे, होम स्कूल इज डेफिनेटली बोरिंग, बट आई रियली होप वी कैन मेक इट थ्रू दिस सेफली एंड रिटर्न हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, आई मिस माय फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं अल्लामा इकबाल के शेर के साथ अपने प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करती हूँ। क्या बदनसीब हूँ मैं स्कूल को तरस रहा हूँ, क्या बदनसीब हूँ मैं स्कूल को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में कैद में पड़ा हूँ। थैंक यू। Creative job, Zakir House. Thank you very much. So with this, हमारे आज के poster making competitions की सारी presentation यही खत्म होती है और competition का end होता है। तो fillers का जो portion है उसको कहिए, fillers का portion।
शायना साहबा अप्रिय यस मैम शायना प्रिंट कंटिन्यू कीजिए ओके मैम सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक मेरी आवाज नहीं जी शायना यू आर ऑडिबल पर रुकिए आफरीन अभी तो बहुत जरूरी काम बाकी है हाँ हाँ याद है मुझे अभी तो रिजल्ट अनाउंस होना बाकी है जी तो आइए इससे पहले के रिजल्ट अनाउंस हो महफिल को मजीद खुशनुमा बनाने और गजल की इत्र बेजी से वज़्न को मुअत्तर करने के लिए मैं आवाज देती हूँ अदनान फारूकी को अजमल हाउस से Yes, am I audible? Yes, you are audible. I am Adnan Ahmed Farooqi from Ajmal House. Today I am going to sing a song which is a combination of three languages, Kashmiri, Urdu and Persian language. So I will start my song. Tamanna ja nididaruk chumo yumbar zale bumbru fajis yamat lajis vichne gajis jane kale bumbru karan mahajur chuhus nasgat vanan yaras pato akhgat ye dil deva गौचे पथ बेस से इतना रले बुम्बरु तमन्ना जा निदीदारुख चुमो युम्बर जले बुम्बरु कहा मैं खाने का दरवा जगालिब और कहा वाइज पर इतना जानते थे कल वो जाता था कि हम निकले हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले खुदा खुद मेरे मजलिस बू दंदर ला मका खुसरो मोहम्मद शम महफिल बू दशब जाए कि मन बूदम नमी दानम चिमंजिल बू दशब जाए कि मन बूदम तमन्ना जा निदीदारुख चुमो युम्बर जले बुम्बरु हजारों कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले शुक्रिया एक्सलेंट परफॉर्मेंस अदनान थैंक यू वेरी मच नाउ आई वुड लाइक टू कॉल युसरा फ्रॉम जाकिर हाउस Good afternoon everyone. My name is Isra. मैं आप सबके सामने मिर्जा गालिब की मशहूर गजल पेश करना चाहती हूँ समाज फरमाए बाजी चाहे अकबाल है दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे दिव्या अपना माइक बंद कीजिए दिव्या दुनिया मेरे आगे होता सबो तमाशा मेरे आगे बा
है दर्द हाल है होता रहनी हाँ गर्द में सहरा मेरे होते होता रहनी हाँ गर्द में सहरा मेरे होते हिसता है जब ही आँखों से सहरा मेरे आगे हिसता है जब ही आँखों से दरिया मेरे आगे बागी अस्पताल है दुनिया मेरे आगे होता है तमाशा मेरे आगे बाजी अस्पताल है मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे बाजी अस्पताल है दुनिया मेरे आगे होता है शबोरो तमाशा मेरे आगे बाजी ईमा मुझे रोके है जो खींचे मुझे को ईमा मुझे रोके जो खींचे को मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे दुनिया मेरे आगे होता शबो तमाशा मेरे आगे बाजी वो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों तो तुम है गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों तो तुम है रहने तो भी सागर मीना मेरे आगे रहने तो भी सागर मीना मेरे आगे बाजी अस्पताल दुनिया मेरे आगे होता शबो रोज तमाशा मेरे आगे थैंक यू सो मच यूसरा. अब मैं बुलाना चाहूंगी अदीबा को अजमल हाउस से. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं अदीबा इफ्तिखार आज आपके सामने मुबारक सिद्दीकी की एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म पेश करना चाहूँगी जिसका उन्वान है कमाल ये है. खिजां के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है.
खिजा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा के खातिर हटा के कांटे उठा के पत्थर, किसी की राह से खुदा के खातिर हटा के कांटे उठा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी बिछा के रखना कमाल ये है। हजार ताकतें हैं सौ दलीलें हैं फिर भी लहजे में आजजी है, हजार ताकत हो सौ दलीलें हो फिर भी लहजे में आजजी है, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अदीबा। इनके बाद मैं दावत देना चाहूंगी मोहम्मद दिलवर को जाकिर हाउस से। जी प्लीज कंफर्म, ये मेरी वॉइस जा रही और मेरा फोटो शो हो रहा है क्या? जी दिलवर आपकी वॉइस आ रही है। जी जी, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर मेट्स, आप सबको मेरा सलाम एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं मोहम्मद दिलवर जाकिर हाउस के तरफ से और आप सबको मैं असातज़ा पे कुछ मुंतखब अशआर सुनाने जा रहा हूँ। ये अशआर मैंने इस वजह से लिया है कि यहाँ पे जितने भी हमारे डियर मेट्स हैं सब मुस्तकबिल के टीचर्स होंगे, समाज फरमाए। उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल सवारना आसान थोड़ी है, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो, मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, यह काम कोई मामूली काम थोड़ी है। उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल सवारना आसान थोड़ी है। देखा न कोह कुन कोई फरहाद के बगैर, देखा न कोह कुन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं है फन कोई उस्ताद के बगैर, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। संग बेकीमत तराशा और जोहर कर दिया, संग बेकीमत तराशा और जोहर कर दिया, शम्मे इल्मो आगाही से दिल मुनव्वर कर दिया, फिक्र फन तहजीब हिकमत दी शऊर आगाही, फिक्र फन तहजीब हिकमत दी शऊर आगाही, गुमशुदा ने राह को गोया के रहबर कर दिया। दे जजा अल्लाह तो उस बागबान इल्म को, दे जजा अल्लाह तो उस बागबान इल्म को,
जिसने गुंचों को खिलाया और गुले तर कर दिया। खाकाए तस्वीर था मैं खाली अजरंग हयात, यूं सजाया आपने मुझको कैसर कर दिया। रहबर भी ये हमदम भी ये गम खार हमारे उस्ताद है ये कौमों के मैमार हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया दिलवर। अब मैं इसी के साथ बुलाना चाहूंगी अरशद आलम को फ्रॉम अजमल हाउस। अरशद आलम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं अरशद आलम डीएलएड फर्स्ट ईयर से अजमल हाउस से। मैं आप सब के बीच एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका अल्फाज कुछ इस तरह है कि अक्सर मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आता है, कि अक्सर मुझे गुजरा हुआ जमाना याद आता है, कभी गांव कभी वो घर पुराना याद आता है। सभी को छोड़कर पीछे आ गया लेकिन पलट कर देखा तो हर किस्सा पुराना याद आता है। जहां कभी दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते थे आज भी मुझे वो ठिकाना याद आता है कि टीचर की पढ़ाई हुई बातें भूली भूली सी लगती है पर उसका क्लास में देर से आना याद आता है। कि जैकेट पहनकर सर्दियों में जब निकलता हूँ माँ का बुना हुआ स्वेटर पुराना याद आता है। बच्चों को जब तितलियों के पीछे भागते देखूं तब मुझे बचपन का वो दिन सुहाना याद आता है। हल्की बारिश में छाते लेकर जब निकलता हूँ बचपन में बिन छाते मोहल्ला घूम आना याद आता है। कि जल्दी में बिना खाए जब घर से निकलता हूँ माँ का मुझे रोक कर खिलाना याद आता है। छोटी बातों पर रिश्ते को टूटते हुए देखता हूँ जब तब लड़कर रिश्ता भी निभाना याद आता है। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच अरशद आलम। मैं अब बुलाना चाहूंगी सुमैया जब्बार को जाकिर हाउस से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातहू। मेरा नाम सुमैया है और मैं बी एड नर्सरी जाकिर हाउस से। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है तंग। पाओ पे छाने एहसासें बुलंद, लड़नी चली हूँ आजादी की जंग। बेटो आजाद है जीना मुझे, बेटो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। रीतों की जंजीरें हो गई दम, न्याय के मंदिर भी हो गए दम। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हर आवाज दबंग। देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है कहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्मों पर मरहम उमंग, लाश नहीं मन जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। देखो आजाद है बहना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे,
देखो आजाद है बहना मुझे, देखो आजाद है बहना मुझे, दीवारें ऊंची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है तंग, पाओ पिछाने साथे बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे, देखो आजाद है जीना मुझे, देखो आजाद है रहना मुझे। थैंक यू अफरीन, बस एक फिलहाल रोल ले लीजिए, उसके बाद फिर प्रोफेसर गजनफर सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि अपने विचार हमारे साथ साझा करें। रिजल्ट अभी बंद है, रिजल्ट में टाइम लग रहा है, लेकिन तब तक सर अपने ख्याल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जी मैम, एक फिलहाल जी मैम, शायना प्लीज कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया सुप्रिया। अब मैं दावत देना चाहूंगी अभिषेक को फ्रॉम अजमल हाउस। थैंक यू, मेरी आवाज आ रही है? यस, इट इज क्लियर। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अभिषेक अजमल हाउस की ओर से आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा है कि आपको पसंद आए, जिसका शीर्षक है छुक 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 रेल चली है जीवन। छुक 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 रेल चली है जीवन के, हंसना रोना जागना सोना खोना, छुक 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 रेल चली है जीवन के, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक, सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए तुम चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए तुम चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की, पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्य नगर को जाना है, पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्य नगर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है, यह भी सोच ले हमने क्या क्या माल किया है बुक, छुक 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 रेल चली है जीवन की, रात और दिन इस रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, रात और दिन इस रेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, उम्र तो है इस रेल के पहिए और चिता स्टेशन है, उम्र तो है इस रेल के पहिए और चिता स्टेशन है, जैसे दो पटरी हो वैसे साथ चले सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की, हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख, छुक 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 रेल चली है जीवन की। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। नाउ आई रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेसर गजनफर जैदी टू शेयर देयर व्यूज विद अस। प्रोफेसर नाहिद जहूर और उनकी तमाम साथी, खास तौर से तबस्सुम साहिबा, आर्य साहब और बाकी तमाम लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन तमाम
मुश्किलों के बावजूद भी एनएसएस की ने की तरफ से और टीचर्स कॉलेज की तरफ से ये पोस्टर कंपटीशन जो ये ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत बड़ी बात है कि हम इन तमाम मसाइल के बावजूद भी अपनी एक्टिविटीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि कैसे भी हालात हो हमें अपने काम को जारी रखना चाहिए, यही असल में एजुकेशन का जो सबक है वो यही होता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे हर बार टीचर्स कॉलेज में जाना और उनके तमाम अपने साथियों के साथ इंटरेक्ट करना। आज इत्तेफाक यह है कि हम आमने सामने नहीं हैं बल्कि स्क्रीन के सामने बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जिस अंदाज से मैं बहुत साल से आपके यहाँ जाता हूँ टीचर्स कॉलेज में जजिंग के लिए और एनएसएस की एक्टिविटीज़ के लिए भी ख़ास तौर से, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स आपके, बहुत ज़्यादा वाकई मेहनत करते हैं, सराहने के काबिल हैं वो तमाम असातिज़ा जो उनको गाइड करते हैं, सराहने के काबिल हैं वो तमाम स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं इन तमाम एक्टिविटीज़ में। और हमें ये अच्छा लगता है कि जब यहाँ इतनी मेहनत करके वो निकल के आगे जाएंगे तो वाकई अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे नागरिक बनाएंगे वो लोग, और एक अच्छा देश हमारे सामने निकल के आएगा। आज के इस कंपटीशन में सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि टॉपिक्स बहुत अच्छे दिए आप लोगों ने, दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे थे आपके जो चूज़ किया आप लोगों ने, वक्त का तकाजा यही था कि इसको हाईलाइट किया जाए। हर एक हाउस का जो पार्टिसिपेशन था वो वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन होता यह है कि हर एक को इक्वल नंबर दिए नहीं जा सकते, तो वो जजिंग का एक कायदा है। इसके साथ साथ ये भी था कि आप लोगों की जो वहाँ से एक क्या कहना चाहिए टेबल बन के आई थी, उसमें बहुत सारे कॉलम्स थे जिनमें जिनको ख्याल रखना था जजेस को और उसके बाद मार्किंग करनी थी। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम था, ये इस तरह की जजिंग करना बहुत मुश्किल काम था। मुश्किल ये था कि सामने जब हम करते हैं जजिंग तो सारे पोस्टर या विजुअल्स हमारे सामने रखे हुए होते हैं, हम बार बार निगाह उन पर डाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि हमारे जजिंग में कोई नुक्स तो नहीं रह गया, लेकिन आज तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक बार आने के बाद विजुअल चला गया, तो बहुत चैलेंजिंग था। इसीलिए मैंने अपने साथ एक कागज़ रखा और मैं नोट करता रहा मुस्तकिल हर एक विजुअल के बारे में। यहाँ मैं एक तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्या टीचर्स ने स्टूडेंट्स को पहले कुछ ब्रीफ किया था कि नहीं कि पोस्टर क्या होता है, वो बहुत अहम बात थी। फिर भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। असल में पोस्टर की जो ख़ास बात है वो ये होती है कि एक नज़र देखने के बाद आपके पास मैसेज पहुँच जाए, बहुत ज़्यादा आपको बोलना ना पड़े, बहुत ज़्यादा आपको लिखना ना पड़े। तो कई जगह मुझे ऐसा लगा कि अगर वो ना बोलें या उसमें बहुत ज़्यादा ना लिखें तो मैसेज नहीं जा रहा था, तो मैसेज उसी का अच्छा जाएगा जो कम से कम विजुअल्स होंगे, बहुत बढ़िया उसके अंदर कलर्स का इस्तेमाल किया गया होगा, वो अच्छा एक पोस्टर कहलाएगा। पर कहीं कहीं कमियां थी, बहरहाल वो तो कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब भी कभी ऐसा कॉम्पिटिशन हो तो पहले ब्रीफ कर दें छोटा सा और उसके बाद फिर उन्हें हम काम दें करने के लिए। मैं मुबारकबाद हर उस स्टूडेंट को दूंगा जिसने पार्टिसिपेट किया, बहुत मेहनत की उसने, बहुत अच्छी तरह से कोशिश की कि मैं अपने स्पेस का प्रॉपर यूज़ करूं, और उसके बाद उसने अपना पोस्टर हमारे सामने पेश किया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और साथ में ये भी चाहूँगा कि मैं आने वाले दिनों में जिस अंदाज से ये सिलसिला जारी है कॉम्पिटिशन्स का ये रहे, और तमाम असातिज़ा से मुझे उम्मीद है टीचर्स कॉलेज में कि जिस अंदाज से वो मेहनत करते हैं इंशाल्लाह इसको कायम रखेंगे। बहुत शुक्रिया सब लोगों का। आखिर में थैंक यू वेरी मच सर फॉर एड्रेसिंग द ऑडियंस। अब मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हमारे खुसूसी जज प्रोफेसर मामून नोमानी सर से इल्तिमास करती हूँ कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चंद कलिमात कहें हक में मुस्तहकम प्रोफेसर मामून नोमानी साहब। गुड
गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर नाहिद ज़हूर साहिबा को HOD मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस ऐसे मौके पर एक इसको ऑनलाइन एक कंपटीशन करवाया और पूरा NSS और वो आपका प्रोग्राम कई दिन का चल रहा है, मुझे मालूम हो के खुशी हुई। मैं सारे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने अपना काफ़ी वक्त लगा के इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में करवाया होगा स्टूडेंट्स से, और मैं सारे स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट को भी मुबारकबाद देता हूं कि जिनकी वजह से ये प्रोग्राम एक सक्सेस फुल की तरफ बढ़ रहा है। और जहां तक मुझे लगता है कि मैंने कहीं देखा था, ये कई दिन का आपका NSS का और इसका इवेंट हैं जो और भी कॉम्पिटिशन सब चल रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि किस जिसको अगर प्राइज या फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप लोगों के यहाँ प्रोसेस होगा वो नहीं मिल रहा तो उसका काम ज़्यादा ख़राब है या कुछ वो अपने बात को ठीक से डिपिक्ट नहीं कर पाया। जाहिर बात है हम दो जज हैं, गज़नफर ज़ैदी साहब हैं और हम हैं, उन्होंने भी एक मार्किंग करी होगी, एक मार्किंग मैंने करी है। हो सकता है कि आपने जो चीज़ दिखाई हो अब उसको स्क्रीन पे दिखाने से या आपको डिपिक्ट करने से या आपका जो उसके बारे में डिटेल बताने से कुछ चीज़ रह गई होंगी, तो इसको मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इससे ज़्यादा डिस्करेज नहीं होना चाहिए। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जाहिर बात है जब एक रेस में बहुत से लोग दौड़ते हैं तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, लेकिन सबके काम मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और जैसे ज़री सर ने बताया ही कि टॉपिक आपका, दोनों टॉपिक बहुत अच्छे हैं और इस वक्त के तकाजे के साथ से ख़ासतौर से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में यानी BEd के स्टूडेंट और MEd के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कल के होने वाले टीचर। मैं ज़्यादा वक्त ना लेके आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया को मुबारकबाद देता हूँ और सारे स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ और सारे वॉलेंटियर्स आप लोगों ने एक बहुत ऑर्गेनाइज प्रोग्राम को करवाने की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर एड्रेसिंग आवर ऑडियंस। Now, I am profusely elated to take an opportunity to welcome the personality who doesn't require an introduction, as she is our Honorable Head of the Department, Dr. Nahid Zahoor. अभी तो वो अनाउंस करेंगे ना, रिजल्ट अनाउंस होगा ना अभी। प्लीज आप दो भी, इसका भी माइक है, प्लीज आप अपना माइक बंद कर लीजिए। हेलो अजय साहब, आपका माइक ऑन है। अजय साहब प्लीज कंटिन्यू। आफरीन प्लीज कंटिन्यू। यस सर, मैम इज हियर। मैम प्लीज एक्सप्रेस योर व्यूज। ठीक, ओके। प्रोफेसर गज़नफर ज़ैदी साहब, प्रोफेसर मामून नौमानी साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि हम किसी वक्त भी आपको जब भी याद करते हैं आप सारे काम छोड़ के और हम लोग के साथ में आप ज़रूर शेयर करते हैं अपना टाइम, अपने एक्सपर्टीज, और हमारे बच्चों की बहुत हौसला अफजाई होती है। आज भी मैंने देखा कि आप आउट ऑफ स्टेशन हैं और उसके बावजूद भी आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स सर ने बताए हैं तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट से कहूँगी कि उन पॉइंट्स को थोड़ा सा अपना देखें और उसको समझने की कोशिश करें। जैसे सर ने कहा था कि हर फन की,
हर एक्टिविटी की एक अपनी लैंग्वेज होती है, और जो पोस्टर मेकिंग है उसमें पोस्टर्स अपने आप से बोलते हैं जो सिचुएशन है, तो कम उस पर लिखा होना चाहिए और कम ही उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना? क्या मैं, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी, यस मैम, यस मैम। तो इसमें जो जो टेक्निकलिटीज हैं वो सर ने बताई हैं, और प्रोफेसर गजनफर साहब ने भी, और प्रोफेसर जो मामून साहब हैं उन्होंने भी आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स दिए हैं उनको अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके साथ मैं जो कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे, डॉक्टर तबस्सुम नकी, डॉक्टर रईसा, डॉक्टर आरिफ, और अभी रूही है नहीं तो डॉक्टर रूही फातिमा, तमाम मेरे एडवाइजर्स, तमाम मेरे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना ऐसे फंक्शन होना चाहिए उससे उससे अबव है, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड आपने, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आप लोगों ने इसको अच्छा किया, ऑर्गेनाइज किया, और जो थीम थे वाकई में वो बहुत अच्छे थीम थे दोनों। अभी रिजल्ट्स मेरे सामने हैं, मैं अभी आपको अपने ये रिजल्ट्स बताने वाली हूँ, लेकिन प्रोफेसर गजनफर साहब भी और प्रोफेसर मामून साहब भी यहाँ बहुत पुराने हैं, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें इन तमाम एक्टिविटीज का सिर्फ एक मकसद नहीं होता है, कि ये सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं था, ये कॉम्पिटिशन दिख रहा था लेकिन इस कॉम्पिटिशन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे करिकुलम के अंदर इनको क्यों रखा गया है, उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप सब ने कवर किए, है ना? तो जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि कैसे आप इसको बनाए, कैसे आप अपने जो क्रिएटिविटी आपने दिखाई, नो डाउट तमाम रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, और फिर सबसे मुश्किल काम क्या है कि जो आप प्रैक्टिकली करते थे उसको आप लोगों ने ऑनलाइन किया है, तो ये सारे ऑड्स को सामने रखते हुए बहुत अच्छा आप लोगों ने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, आप लोगों ने जो पोस्टर्स बनाए वो बहुत अच्छे, बहुत क्रिएटिव थे, अपने आप में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा था उसमें। इसका एक मकसद ये भी है कि आप स्कूलों में जब जाएंगे तो आपको ये तमाम एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवानी पड़ेंगी बच्चों के लिए, तो हाउ टू ऑर्गेनाइज दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज, ये भी आपको एक यहाँ ये इससे एक लर्निंग के लिए ये आपको कराया जाता है, कितने स्टेप्स हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं। इंडियन कंडीशन में सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थोड़ा मुश्किल है, तो कम से कम रिसोर्सेज में आपने अपने जो जो आपको दिए जाते हैं उसका मकसद यही होता है कि जितना बस रिसोर्सेज हैं उसी में काम करो, तभी क्रिएटिविटी आपकी उभर कर आती है, तभी आपकी जो अंदर की छुपी हुई सलाहियतें हैं वो सामने आती हैं। थोड़ा थोड़ा सा कहीं टेक्निकलिटीज की था कि अगर वो शॉकिंग कलर्स हो, वाटर कलर हो, थोड़ा सा लिखावट उस पर कम हो तो और इम्प्रेसिव आता है। तो इसी के साथ में आप लोगों को रिजल्ट्स का बड़ा इंतजार होगा, तो मैं बहुत सारी मुबारकबाद के साथ में अब आप लोगों को रिजल्ट अनाउंस करूंगी। दो थीम थे आप लोगों के, तो एक पहला थीम था उसका माई हाउस एंड माई स्कूल। इसमें मैं जो आपका थर्ड प्राइज है उससे स्टार्ट करूंगी, तो थर्ड मिला जाकिर हाउस को, कंग्रेचुलेशन जाकिर हाउस, इसमें आपका थर्ड प्राइज है। सेकंड प्राइज है गांधी हाउस, माई स्कूल, माई हाउस माई स्कूल में, और जो फर्स्ट प्राइज है वो है आजाद हाउस। कंग्रेचुलेशंस, आप तीनों हाउसेस को बहुत बहुत मुबारक हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो और हाउसेस थे उनका अच्छा नहीं है, जैसे कि हमारे जज साहिबान ने बताया था कि ये तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आना ही होता है, लेकिन असल मुबारकबाद जो होती है वो होता है आपके पार्टिसिपेशन की, और यहाँ हमारा मकसद होता है कि आपने क्या कुछ गेन किया है, आपने जो पार्टिसिपेट किया है उससे जो आपको एक्सपीरियंसेस और आपको नॉलेज हासिल हुई है वो असल चीज होती है। तो कंग्रेचुलेशंस आप तीनों हाउसेस को और बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी। सेकंड आपका था बैक टू स्कूल, स्कूल वापसी।
इसमें थर्ड प्राइज में दो थर्ड थर्ड प्राइज मिले हैं, एक है आपका नेहरू हाउस और दूसरा है आपका गांधी हाउस। ये दो हाउसेस में टाई हुआ है, इस वजह से दोनों जो हैं इनको थर्ड प्राइज मिला है। सेकंड प्राइज है आजाद हाउस, कंग्रेचुलेशंस। और फर्स्ट प्राइज जो है वो है मुजीब हाउस, कंग्रेचुलेशंस। आप चारों हाउसेस को बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपके इसमें स्कूल वापसी और बैक टू द स्कूल में ये रिजल्ट्स थे, तो बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक हो आप लोगों को। और इसी के साथ मैं सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगी, तमाम एडवाइजर्स को, तमाम टीचर्स को, सारे बच्चों को, और अपने जज साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am, for your gracious presence and for adding time to this event. मैं मैम के लिए एक शेर कहना चाहूंगी। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीज से पत्थर भी पिघल सकते हैं। शुक्रिया मैम। शुक्रिया बेटा, थैंक यू। It's a matter of pride for me that I am proposing a vote of thanks for this event on the behalf of our Department of Teacher Training and Non-Formal Education. I would like to express my gratitude to our head of the department, Professor Nahi Zahoor, respected judges, Professor Ghazanfar Zaidi Sahab, Professor Mamoon Nomani Sahab, our diligent NSS officers, Dr. Ruhi Fatima and Dr. Muhammad Arif, our dedicated CCA coordinators, Dr. Tabassum Naqi and Dr. Raisa Khan, our dutiful house advisors, Dr. Petala Ramakrishna, Dr. Muhammad Azjad Ansari, Dr. Andaleep and Ms. Khushboo, and all the teachers of our department, our technical team, media team and both the organizer houses. I would also like to place my hearty thanks to all the participants and audience who were very enthusiastic. Thank you so much. Thank you all for making this event a success by your presence. I wish each student a bright future and a life full of success ahead. May you bloom into a beautiful butterfly from a cocoon of hardships and struggle passing in the way. Now, I formally conclude this program. Thank you very much. Have a great day ahead. Afreen, ek second. Naheed ma'am, aapki ijazat se kal Arif sahab ka demonstration nahi kar paaye the kyunki unka wo hang kar gaya tha laptop. To aaj agar aap ijazat dein to wo ye activity is waqt karna cha rahe hain. Kaun si activity? कल योगा डेमोंस्ट्रेशन उनको करना था पर उनका लैपटॉप खराब हो गया था। अच्छा, तो वो अच्छा। आज अभी वक्त भी है, अगर आप इजाजत दें तो आरिफ साहब इस वक्त। ठीक है। तो मैं फॉर्मली आरिफ साहब को इनवाइट करती हूँ कि प्लीज आए और आज की एक्टिविटीज को, योगा एक्टिविटीज को आगे बढ़ाए। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। जैसा की हमने कल बात की थी कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे एंड पेड मेरे लैपटॉप में, तो उस वजह से हम चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, और इतफाक से आज भी वो चीज़ें हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने वो चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लिया। और अभी जो चीज़ें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, कुछ बातें मैंने आप लोगों से की थी कल योग के बारे में, कुछ चीज़ें की थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ आवाज़ भी मेरी आप लोगों को बहुत क्लियर नहीं आ रही थी, तो बात हो नहीं पाई थी पूरी तरह से। तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि अभी आप लोग उस मूड में नहीं हैं कि चीज़ों को, मतलब एक कॉम्पिटिशन और उसके बाद फिर जो विनर्स अनाउंस होने के बाद, हम उस मूड में नहीं होते कि हम दोबारा से फिर कोई लेक्चर या कुछ उस तरह से चीज़ों को सुने। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें इंटरेस्टिंग बना पाऊँ आप लोगों के लिए। और जो चीज़ मैं डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ
बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने कुछ बहुत साल पहले एक प्रोग्राम हुआ था, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर है जामिया का, वहाँ पे तो वहाँ पे कुछ योग के ऊपर प्रेजेंट करनी थी चीज़ें। तो मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि योग की जब बात आती है तो उसमें जो ज़्यादातर बात होती है वो बात आसन्स, मेडिटेशन और ब्रेथ होल्डिंग, इन तीन, जो तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। तो और वही मुझे जो लगता है कि मोर देन 90% जो लोग हैं वो उन्हीं चीज़ों को कर पाते हैं। बाकी जो जो योग में जो ट्रू प्रैक्टिस की बात हम करते हैं, या योग की जो दूसरे जो टाइप्स हैं, या उसके अंदर जो उसका एसेंस है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें अलग लेवल पे जाना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को करना पड़ेगा। तो मैं पहले कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूं, फिर हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। होपफुली मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। ओके मैम, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था कि जो हम लोग योग के ऊपर जो चीज़ें मुझे बात करनी थी, कुछ चीज़ें मैंने कल भी की थी, ठीक है, कुछ बात मैंने कल भी रखी थी, लेकिन वो पूरी तरह से हो नहीं पाई थी। तो योग को समझने के लिए पहले तो हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में योग है क्या। तो सबसे पहले जैसा कल मैंने बता रहा था कि योग, बहुत ब्रीफली मैं इन चीज़ों पर और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, मेन जो पार्ट है मैं उस पर बहुत जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इसका रूट संस्कृत है, जो यूज वर्ड है संस्कृत का उससे इसका रूट है, और जिसका मीनिंग है टू ज्वाइन या टू अटैच करने की बात कर रहे हैं। कल जैसा मैं बता रहा था कि अगर हम ज्वाइन करने की बात करते हैं या अटैच करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट दो चीज़ें होंगी जिनको हम बाइंड करने की कोशिश करेंगे या ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक सिंगल एंटिटी को आप ज्वाइन कर नहीं करा सकते ना, किसी से बाइंड नहीं करा सकते, एटलीस्ट दो चीज़ें होंगी जिनको आप आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो योगा, जो योग का जो मीनिंग है वो ज्वाइन कराने से, अटैच करने से है, बाइंडिंग से है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो जो अभी मैंने बात की उसका मतलब क्या है कि वो जो दो अलग अलग एंटिटी हैं जिनकी अटैचमेंट की बात है, जिनकी बाइंडिंग की बात है, वो क्या है। एक तो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस या हमारी जीवात्मा हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है वो यूनिवर्सल सोल की हम बात कर सकते हैं, या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ठीक है। इन दोनों की बाउंडिंग की बात है, उन दोनों की ज्वाइनिंग की बात है। उसको अचीव करना, जैसा मैं अभी पहले बता रहा था कि अगर हम कहें कि सिर्फ कोई योगिक आसन करके आप इस चीज़ को अचीव कर लें, कि आप जिस भी, जो भी आप फेथ है आपका, ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है, आप चाहे उसको भगवान कहें, खुदा कहें, या जो भी, जिस भी तरह से आप, जो भी आपका फेथ है, क्या आप सिर्फ एक फिजिकल मूवमेंट करके या एक फिजिकल एक्सरसाइज करके, एक पोस्चर मेंटेन करके क्या उससे अटैच हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। उसके लिए और भी जो चीज़ें हैं, और भी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैं बता रहा था कि दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनको जोड़ने की बात की जा रही है इसके अंदर। जो और अगर हम डीपर इसकी मीनिंग की बात करें तो वो क्या है कि डिस्कवर हैप्पीनेस एंड पीस फ्रॉम विद इन, यानी खुद के अंदर किस तरह से आप पीस या हैप्पीनेस खोजने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर ये सारा फोकस होता है योग का। दूसरा ये है कि कंट्रोल ओवर माइंड एंड काम डाउन द माइंड, कि किस तरह से अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से अपने दिमाग को काम डाउन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है योग, इस ये एक्चुअल योग है, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हम पतंजलि के हिसाब से देखें तो जो भगवद गीता में जो उसकी डेफिनेशन योग की दी गई है, वो कहा गया है कि योग इज डिलीवरेंस फ्रॉम द कॉन्टेक्ट विद पेन एंड सॉरो। कि योग अगर हम बात करें तो योग क्या है कि आपको दूर ले जाता है किससे, दुख से और जो पेन है उससे, ठीक है। तो अगर हम ट्रू सेंस में योग को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो हमें जो दुख है या दर्द है उससे दूर ले जाने की कोशिश करता है, या दूर ले जाता है, ठीक है। पतंजलि इस पे हमने अभी बात की कि योग इज द कंट्रोल ऑफ मेंटल मॉडिफिकेशन और फ्लैक्चुएशन, जो हमारे दिमाग में अभी जो बात की थी ना कि किस तरह से हमारे दिमाग को कंट्रोल करने की बात है, अपने दिमाग को आप किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पतंजलि ने जिस तरह से डिफाइन किया है योग को, वो कह रहे हैं कि किस तरह से आप अपने दिमाग में जो मॉडिफिकेशन चल रहे हैं या बहुत से फ्लैक्चुएशन होते हैं, अभी भी इस वक्त बहुत सी ख्याल, बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, ठीक, तो किस तरह से हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें कि आप
प्लान करके सोचें कि भाई मुझे यही मेरे दिमाग में आना चाहिए या मैं सिर्फ एक ही चीज को एक ही चीज पे फोकस कर दूं, तो वो प्रैक्टिस जो है वो योग है। बात वही है कि कथोपनिषद में जिस तरह से कहा द स्टडी कंट्रोल ऑफ सेंसेस एंड माइंड हैज बीन डिफाइंड, एंड जो बात वही है जो अभी मैंने किया, योग इज अटेनिंग द पोज। जो वेद व्यास कह रहे हैं योग के बारे में, वो ये कहते हैं कि योग वो है जिसके अंदर आप एक समाधि अटेन कर लें। और समाधि अटेन करने के लिए ऑब्वियसली सिर्फ कह देने से नहीं होगा, आपको उसके लिए क्या है कि एक जो ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ कि आप लोग दो मिनट के लिए सिंपली बैठ जाएं, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं करना अपनी बॉडी में, पॉसिबल है? हम नहीं कर सकते कुछ ना कुछ, मतलब मूवमेंट से मतलब कि दिमाग में भी कोई ख्याल ना आए, आप चुपचाप बैठे रहें, ठीक है, ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हम ट्रू सेंस में योग को प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल मीनिंग है योग का। देन थोड़ा सा टाइप्स ऑफ योग पे हम लोग बात कर लें। बहुत आप अगर गूगल करेंगे तो आपको बहुत से टाइप्स ऑफ योग मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कोशिश की है आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की, वो जो मुझे रिलेवेंट लगे कि हाँ ये चीज़ें वाकई में हैं जिसको हमें एक्चुअल में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो पहला जो टाइप है योग का वो बात करता है कर्म योग, वो बात करता है कर्म योग जिसको हम बोलते हैं योगा ऑफ एक्शन। इसके अंदर बहुत सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि हम सब लोग इस दुनिया में आए हैं तो किसी ना किसी मोटिव के साथ, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ, किसी ना किसी पर्पज के साथ हमें इस दुनिया में भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आ गए हैं और मतलब हम पैदा हो गए फिर मर जाएं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ हमें इस तरह से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे के भेजा गया है। अब उसको हमें जानने की कोशिश करना है कि वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो बेसिकली जो कर्म योग का जो फोकस है वो क्या बात करता है, योगा ऑफ एक्शन, यानी कि आप अपने जो भी आपको वर्क्स असाइन हो रहे हैं आपको उसको ट्रुथफुली करना है। लाइक अगर मैं कहूँ यहाँ पे जो आप सबको एक वर्क असाइन हुआ जो एनएसएस कैंप के दरमियान आप लोग सबको अलग अलग ड्यूटीज असाइन हो रही होंगी, अभी भी जैसे कि पोस्टर प्रेजेंटेशन था, तीन लोग मिलके उन्होंने बनाया, ठीक है। अब उसमें अगर मैं कहूँ कि तीनों ने 100% दिया तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें पॉसिबल नहीं है। या मैं दूसरे सेंस में ऐसा कहूँ कि पूरा हाउस, आपके हाउस में तकरीबन हर हाउस में 40-50 की स्ट्रेंथ है, आज के कॉम्पिटिशन में क्या सबने 100% दिया? तो अगर हम उन चीजों को देखें, बेसिकली क्या है कि सबको अपना कंट्रीब्यूशन उसमें देना चाहिए था, सबको उसमें अपनी बात रखनी चाहिए थी, ठीक है। तो बेसिकली कर्मयोग का जो फोकस है वो एक्शन पे है, योगा ऑफ एक्शन, यहाँ पे आपको अपना वर्क जो भी आपको असाइन है वो करते रहना है। दूसरा ये है कि इसका ये नहीं सोचना कि इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, यानी कि अपना काम आपको करना है। आप ऑब्वियसली जो भी चीजें हमें असाइन हो रही, बीइंग अ टीचर हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज असाइन होती हैं, हमें अपना काम जो है वो करते रहना है। तो ये बेसिकली कर्मयोग की बात है। देन इसके बाद जो हम बात करेंगे जनन योग, जनन योग जो है वो बात करता है योगा ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ठीक है। इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप देखें कि इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हमने सुन सुना के जानी हैं, मतलब जो नॉलेज हमने गेन किया है कि होता है कि किसी ने हमें से बता दिया वो चीज़ें हमें पता चल गई, ठीक है, और बस हम वहीं तक अपने आप को लिमिट कर देते हैं। जनन योग का जो फोकस है, जो उसका एसेंस है, वो ये कहता है कि नहीं, आपको क्या है खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। वो अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, खुद एक्सपीरियंस करेंगे। तो जो नॉलेज हमें खुद एक्सपीरियंस करके मिलती हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं जो नॉलेज हमें एक होता है ना कि किसी ने बता दिया उससे मिल जाए। तो ये चीज़ें हमें भी अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमें हरदम नॉलेज के लिए हरदम एफर्ट्स लगाने चाहिए। और फर्स्ट हैंड नॉलेज की जो बात है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज की बात है, यानी कि आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए, तब जो चीज़ आप गेन करेंगे, दैट इज़ जनन योग, ठीक है। फिर हठ योग, अच्छा अभी जो मैं थोड़ी देर शुरू में जो मैंने बात की कि ज्यादातर लोग जो बात करते हैं वो हठ योग की बात करते हैं, यानी कि इस योग के अंदर होता है योगा ऑफ अटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल प्योरिटी की बात है। जो आसन हम कर रहे हैं, कुछ क्लिंजिंग एक्टिविटीज होती हैं, देन उसके बाद जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं या ब्रेथ होल्डिंग कर रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, ये फिजिकल और मेंटल प्योरिटी को अटेन करने की बात करती है। और ज्यादातर जो अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम लोग, जैसे मैंने बताया था, मोर देन 90% जो लोग हैं वो हठ योग को ही फॉलो कर रहे हैं, बाकी ना तो कर्म योग पे उनका कोई अटेंशन है ना जनन योग पे उनका अटेंशन है, ठीक है।
ये हठ योग की जो बात है वो उसमें इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो है आपका आसन्स हो गए, ठीक है, मेडिटेशन हो गए, देन ब्रेथ होल्डिंग हो गया, और कुछ जो षट क्रियाएं बोलते हैं, क्रिया मतलब कि कोई एक्टिविटी, क्लिंजिंग एक्टिविटी बेसिकली, ठीक है। राजयोग जो है वो बात करता है योगा ऑफ अवेकिंग द साइकिक अवेयरनेस एंड फैसिलिटीज। बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो हम बात करते हैं वो यम और नियम की बात करते हैं। यम और नियम शायद कुछ लोग समझ रहे होंगे, यम की जो बात है वो है जो सोशल डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, नियम इंडिविजुअल डिसिप्लिन की बात करते हैं। फोकस है वो कहता है कि आप सोशली डिसिप्लिन हो, उसके बाद साथ में इंडिविजुअली डिसिप्लिन हो। सोशली डिसिप्लिन कैसे होंगे कि हम झूठ नहीं बोलो, हमें चोरी नहीं करनी, हमें जो भी हमें वर्क असाइन हो रहा है उसको ट्रूथफुली उन चीजों को प्रैक्टिस करना है, उन चीजों को करना है, ठीक है। इंडिविजुअल डिसिप्लिन क्या है, अपनी क्लिंजिंग पे आपको फोकस करना है जो भी है, देन उसके बाद अपने हेल्थ पे आपको फोकस करना है, ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, ये जो मतलब खुद के लिए जो स्टडी करना है, तो ये राजयोग के अंदर बेसिकली ये बात हो गई। देन मंत्र योग जो है, मंत्र योग के अंदर जो बात होती है किस तरह से जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस है या टेंशन है वो किस तरह से हम उसको फ्री करें। यहाँ पे हम कोई भी श्लोक ले लेते हैं, कोई भी आप कुछ भी आप ले सकते हैं, किसी अलग अलग, अगर हम डिफरेंट फेथ को मानते हैं तो हम अलग अलग फेथ में जो चीजें कही गई आप उसको प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं कि जैसे योग के अंदर ज्यादातर लोग कहते हैं कि ओम का उच्चारण करने की बात है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि अगर हम ओम का उच्चारण करने में हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम वहां पे कुछ और उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वर्ड से, लेकिन यहाँ पे जो मोटिव है वो ये क्या है कि आप किस तरह से एक अपने दिमाग में वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट श्लोक्स, और फिर उससे क्या है जो आपका इस दिमाग में जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, उससे आप फ्री हो पा रहे हैं। देन उसके बाद लय योग जो है वो बात करता है कि किस तरह से हम अपने डिसोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअलिटी की बात करता है, ठीक है। इसमें आपने अगर आप एक एग्जांपल कोट करके बताऊं, आप सबने शक्तिमान का जो गंगाधर का कैरेक्टर है वो देखा होगा, ठीक है, इसमें आपने देखा है कि किस तरह से जो कुंडलिनी योग भी जो लिखा है ना वो इस वजह से लिखा है कि अगर हम बात करें, ठीक है, जो योग की जो आप स्क्रिप्ट मतलब जो भी इसके इसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको वहां पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। वहां पे बात की गई है कि एक ह्यूमन बॉडी में 7 कुंडलियां होगी, ठीक है, हमारे पेल्विक रीजन से स्टार्ट होके टॉप जो हेड का हमारा जो पॉइंट वर्टेक्स जिसको बोल सकते हैं बिल्कुल टॉप पे वहां तक जाते हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग पोजिशनिंग है। तो इसके अंदर जो बात हो रही किस तरह से आप उन चीजों को अवेकन करेंगे, ठीक है, जागृत करेंगे, तो वो बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो आप कहते हैं ना कि बहुत जगह ऐसे साधुओं का कंसेप्ट है या जो बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत हाईली मतलब गॉड से बिल्कुल कनेक्टेड हैं, जिसके थ्रू जैसे कि मुस्लिम से अगर हम देखें तो जो पीर और औलिया का जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये माना गया है कि वो इतना कनेक्टेड है खुदा से कि हम उनके मार्फत अपनी दुआओं को भेजने की कोशिश कर। तो ये जो बात हो रही है कुंडलिनी योग में वो ये हो रही है कि उन्होंने अपने वो जो 7 कुंडलियां हैं उनको अवेकन कर रखा है, यानी कि वो इस लेवल पे अपने आप को ले गए हैं प्रैक्टिस करके। अच्छा, ये चीजें एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि मैं बता रहा हूँ चीजें हो जाएंगी, इसके लिए हमें क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो उस तरह से चीजों को हम अचीव कर सकते हैं। देन इसके बाद एक लास्ट जो है वो भक्ति योग, भक्ति योग बात करता है वो इंटेंस डिवोशन की बात करता है, आप सबको पता है, ठीक है, भक्ति का जो मीनिंग है आप सबको पता है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो फेथ पे हो रही है। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपका फेथ है, आपका जो डिवोशन है वो बिल्कुल ही मतलब इंटेंस लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही मॉडरेट लेवल पे चीजों को जाके करें। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं आप उसमें जो भी प्रैक्टिसेस हैं आप उसको उस लेवल पे जाके करिए जिस लेवल में उसमें सजेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि बस हमने अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करके उसके हिसाब से करने लगे। तो भक्ति योग का जो कंसेप्ट है वो बात कर रहा है कि हम कितना डिवोटेड हैं अपने फेथ के लिए, ठीक है, जो भी हमारा फेथ है। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं कुछ, इस पे बहुत ब्रीफली मैंने प्रेजेंट किया, बस ये योगिक एक्सरसाइजेज जो मुझे डेमोस्ट्रेट करना था उसके लिए कुछ कंसेप्ट हमें जानने की जरूरत है कि जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा हठ योग के अंदर आता है, ठीक है, ये जो योगी एक्सरसाइजेस हम लोग करेंगे या करते रहते हैं, ठीक है, और इसमें हमारा फिजिकल
मतलब बॉडी से रिलेटेड है, उसकी केयर से रिलेटेड है, उसके वेलबींग से रिलेटेड है, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी हम करने से पहले अगर फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आप योगा एक्टिविटी कर रहे हैं या किसी भी और तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि सबसे पहले वार्म अप करना होगा, ठीक है। वार्म अप करने के लिए यहाँ पे जो सजेस्टेड है, योग के अंदर जो सजेस्टेड होता है वो सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, ठीक है, सन सल्यूटेशन। यहाँ पे ये 12 स्टेप्स हैं, 12 अलग अलग पोजेस हैं जिसका एक सीक्वेंस बना के हम चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। ये जो है आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो ये गिफ्ट इमेज है वो शो हो रही है कि उसमें 12 डिफरेंट स्टेजेस हैं, 12 डिफरेंट पोजेस हैं जिसको हम एक सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली योग के अंदर इसको वार्म अप पोज माना गया है। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि वार्म अप करने के लिए इसको करने से पहले आपको कुछ जॉइंट्स को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इमीडिएट अगर इसको भी करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले जितने हमारे जॉइंट्स हैं उसको हम मोबिलाइज कर लें, ठीक है, उनको हल्का फुल्का स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये करें। और फिर इसके बाद यहाँ जो मैंने कोशिश की है वो अलग अलग जिस पोजीशन में, जिस पोस्चर में हम करते हैं उसके हिसाब से क्लासीफाई करने की कोशिश की है। ये जो पोजेज हैं जिसको जिसको हम कह सकते हैं जो एक तरह से जो स्टैंडिंग पोजेस हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग पोजेस कौन से पोजेस, जो हम खड़े होके करते हैं, ठीक है, बेसिकली जो पोजेस हम खड़े होके करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने सिर्फ कोट किया है त्रिकोण आसन का, ठीक है, ये बहुत बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, जो मेन पॉइंट में अभी भी नहीं आया हूँ मैं, 2 मिनट और, ठीक है। सीटेड पोजेस, जो पोजेस हम बैठ के करते हैं, ठीक है, जिसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे लोटस पोज का है। इसको लोटस पोज को मेडिटेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, जो इनिश और बहुत लोग इनिशियल टाइम पे लोटस पोज नहीं कर पाते, पद्मासन नहीं लगा पाते, तो वो हाफ पद्मासन कर सकते हैं या सुखासन बोलते हैं उसको कर सकते हैं। बेसिकली मेडिटेटिव पोज भी कहलाता है। इसके बाद आप देखिए कि ट्विस्ट पोजेस हैं योग के अंदर। ये सिर्फ मैंने जिस तरह से पोजीशन हो रही है उसके हिसाब से यहाँ पे क्लासीफाई करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें हाफ स्पाइनल ट्विस्ट हम एक यहाँ जो एक ही सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं, बाकी और भी बहुत से हैं इसके अंदर जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सुपाइन पोजीशन में जो हम करते हैं, यानी कि जो पीठ के बल लेट, यानी हमारा सर सॉरी हमारा मुंह जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें पवन मुख आसन का आसन एक मैंने सजेस्ट किया, और भी बहुत से आसन जो है हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इन्वर्टेड या बैलेंस पोजेज, जिसमें हम कुछ उल्टा हों, ठीक है, या बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, उस तरह के पोजेज। तो यहाँ पे हलासन का एक एग्जाम्पल मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखाने की। देन बैक बेंड्स, जिसमें हमारा जो बैक है वो बेंड हो, मतलब मुड़ा हुआ हो, तो इसमें धनुरासन एक है जिसको मैंने कोशिश की दिखाने की, ठीक है। फिर लास्ट में जब करने के बाद एक कंक्लूडिंग, यानी लास्ट में हम फिनिशिंग पोज जो करते हैं उसमें सवासन यूजली लोग करते हैं रिलैक्स करने के लिए अपनी बॉडी को। अच्छा, ये जितना दिख रहा है कि बहुत आसान है बस लेट जाओ चुपचाप, तो उतना आसान है नहीं ये। इसमें क्या है कि बहुत ही चीज़ें हैं कि आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, आपने एक बहुत ही विग्रस एक्टिविटी की उसके बाद आप रिलैक्स कर रहे हैं अपने आप को। तो सिर्फ लेट जाने से आप रिलैक्स नहीं होंगे, आपको अलग अलग उसके अंदर प्रैक्टिसेस हैं, जो कभी एक टाइम मिलेगा तो मैं उस पर भी आप लोगों को बात करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, फिनिशिंग पोज है। अब बात आ रही है कि जो मुश्किल से 5 मिनट और मैं लूंगा आप लोग को और बाकी मैं बाइंड करूंगा, ठीक है। जो बात हो रही है कि हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो हम किस तरह से चीज़ों को कर सकें, तो मैंने कोशिश की, जो मैं बता रहा था वो जो हमारा जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे जो कोशिश की थी कि मैंने कि किस तरह से हम एक अल्टरनेट सोल्यूशन दे सकें, कि लोगों के पास बहुत एक्सक्यूज होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम किस तरह से योग या किसी दूसरी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। तो मैंने कुछ उसका अल्टरनेट सोचा क्या, मैंने जब गूगल किया तो बहुत सी चीज़ें निकल के आई, तो मैंने जो पाया कि ये चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं वाकई में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो कुछ है जो मैं अभी आप लोगों को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एक योगासन हम यूजली हम करते हैं, ठीक है, ब्रशिंग हम सब करते हैं डेली सुबह उठने के बाद, ठीक है, लेकिन क्या हम उसको इस तरह से करें कि हम उसमें योगा भी कर लें। यूजली हम 2 से 3 मिनट लगाते हैं हर आदमी ब्रशिंग करने के लिए, ठीक है, तो क्या हम कुछ इस तरह के पोस्चर मेंटेन करें कि हम उसमें एक एक्टिविटी कर लें योगा की। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें, एक यहाँ पे देखें तो इनका पैर बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, जो मेरी इमेज दिख पा रही होगी उसमें आपको दिख रहा होगा मैंने थोड़ा सा अपना एंकल अप कर रखा है, ठीक है। तो ये 2 वेरिएशन है जो हम लोग कर सकते हैं।
लिमिटेड, हम ऐसा नहीं कि बस यही लिमिटेड है, ये जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यही करना है, इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इसमें सोच सकते हैं, कर सकते हैं जब हम ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त हम इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कि हम शूज पहन रहे हैं या उसको टाई कर रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ है कि जब हम शूज पहनते हैं यूजली हम या तो सोफे बैठ जाते हैं या कोई चेयर हम यूज करते हैं, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। हम इस तरह से जो अभी दो इमेजेस यहाँ पे शो हो रही हैं, हम इस तरह से करें ताकि इसमें आपका जो थाई मसल्स है वो स्ट्रेस हो सके, ठीक है। आप सॉक्स जब पहन रहे तो एक पैर पे खड़े होके तो आपका बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है और आप एक तरह से एक योगिक पोज कर पा रहे हैं। तो ये कुछ सजेस्टेड चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं कि हम अपने कपड़ों पे आयरन कर रहे हैं, ठीक है, तो यूजली हम नॉर्मली खड़े होके या किसी एक पोजिशन में होते हैं, पॉस्चर में होते हैं और बहुत देर तक हम उन चीज़ों को करते रहते हैं, तो उसमें एक ये सजेस्टेड है। हम इसमें और भी अल्टरनेट सोच सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, और भी चीज़ें प्लान कर सकते हैं जो चीज़ हम ईजली और आसानी, मतलब आसानी से हम कर सकें। तो ये जब हम आयरन कर रहे हैं क्लॉथ्स को, तो उस वक्त हम इस तरह का एक पॉस्चर या इसी में आप चाहें दूसरे वेरिएशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब आप कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कुकिंग करते वक्त आप देख सकते हैं कि आप अपने किचन को किस तरह से एक योगा मतलब रूम बना सकते हैं, ठीक है। यूजली हम नॉर्मली हम खड़े होकर करते हैं, हमारा अलग अलग बॉडी पोजिशन होता है, तो इसमें हम चाहें तो कुछ इस तरह के जो दो पोस्चर मैंने कोशिश की है यहाँ पे सजेस्ट करने की, और भी बहुत से अल्टरनेट हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जब हम कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जब हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज रख के इस तरह से चीज़ों को हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब आप डिश वॉश कर रहे हैं तो उस वक्त भी आप एक ये पोजिशन को मेनटेन कर सकते हैं। देन टीवी देखते वक्त जब आप टीवी वॉच कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं, ठीक है, घंटों देखते हैं बैठ के, तो उस वक्त हम कुछ इस तरह के पोजेस को मेंटेन कर सकते हैं। ये सिर्फ सजेस्टेड हैं, आप इसमें अपनी डिफ़िकल्टी लेवल अपने हिसाब से डिसाइड करिए कितना आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप चीज़ों को प्लान करना होगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ सजेस्ट कर दिया आप जाके करने लगें, आप देखिए कि आपकी लिमिटेशन कितनी है, आप किस लेवल पर जा सकते हैं, आप उस लेवल पर जाके आप चीज़ों को परफॉर्म करना होगा। देन यहाँ पे जो सजेस्टेड है वो ये भी कुछ अल्टरनेट्स हैं, जब आप टीवी देख रहे हैं उस वक्त हम इस तरह की चीज़ें भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये जब हम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो ये उस वक्त आप हम ऑब्वियसली हम जब कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं तो घंटों बैठे रहते हैं, ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन हम यूज़ करते हैं, तो जब आप ये इस तरह से पोजिशन अक्वायर करेंगे तो एक तरह से आप स्ट्रेस रिलीफ भी होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह के कुछ सजेस्टेड इमेजेस हैं, मतलब जो मैंने कोशिश की है आप लोगों को प्रेजेंट करने की, आप यहाँ पे ये भी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। देन जब आप रीडिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो उस वक्त अलग अलग पोजीशन है, यहाँ पे कुछ मैंने चीजें सजेस्ट की, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने सजेस्ट करने की कोशिश की है कि जब आप रीड कर रहे हैं कोई बुक या कुछ भी, तो उस वक्त या इवन मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ मोबाइल को भी इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे बुक, तो इस तरह से भी हम चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप बच्चों के साथ हैं उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ मैंने कोशिश की है इमेज दिखाने की, जब आप अपने पेट्स के साथ खेल रहे हैं तो यूजली हम उनके साथ भी बैठते हैं, तो यहाँ हम कुछ इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं, जो इस तरह के पोजेस भी हम मेंटेन कर सकते हैं। ये जब आप फोन अटेंड कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ इसमें वेरिएशन दिखाने की मैंने कोशिश की है। उसके बाद अगर हम देखें, जब आप रेस्ट रूम यूज़ कर रहे हैं, टॉयलेट में हैं, तो वहाँ पे भी हम इस तरह के कुछ पोजेस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अल्टरनेट योगा आसन हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं जब हम हमें हम कहते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो उस वक्त भी हम इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये
इतना ही मुझे दिखाना था जो मेन बेसिकली था। होपफुली चीज़ों से आप लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। मतलब होता है ना, एक्सक्यूज बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन हम जब करने के लिए कोशिश करें तो उसका अल्टरनेट हमें देखने की ज़रूरत है। तो हम लोग तो थैंक यू, आपने मुझे इतना टाइम दिया इसके लिए। किसी को कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इसमें, इससे रिलेटेड। वासुदेव, आई थिंक आपने अपना हैंड रेज किया है। सर, एक फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। फिजिकल एजुकेशन को एज अ एजुकेशन ऑप्ट नहीं किया जा रहा इंडिया में, आप अग्री करते हैं इस बात को? लाइक जैसे हम बीपीएड एमपीएड के हम कोर्सेज देखें तो उतनी इम्पोर्टेंस बच्चे मतलब नहीं लेते इन कोर्सेज को, सर ऐसा क्यों? वैसा क्यों, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है ना, जो मैंने स्टडी किया, यानी मैंने तकरीबन अगर मैं देखूं तो मैं 2008 से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हूं, देन 2007 में मैं इनरोल्ड हुआ बीपीएड के लिए, ठीक है, सॉरी 1998 से मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुआ, 2007 में मैं इनरोल्ड हुआ था बीपीएड के लिए, ठीक है। तो ये जो मेरी इस दरमियान जो मैंने चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, बेसिकली होता क्या है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेन जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो खुद हैं, ठीक है। उसका सब उसका ये जो मैंने फील किया है, होता ये है कि जब आप सब ने सुना ही होगा कि भाई हमारा अगर कोई कोर्स, कोई साइंस टीचर है या कोई मैथ्स का टीचर है या कोई और दूसरे सब्जेक्ट का टीचर है, उसका अगर कोर्स कंप्लीट नहीं होता तो वो जाके रिक्वेस्ट करता है फिजिकल एजुकेशन टीचर से कि भाई अपना पीरियड आप हमें दे दीजिए, और बहुत खुशी से लोग दे देते हैं, मतलब इस तरह के जो टीचर्स हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है, एक तो आपका एटीट्यूड, मतलब स्टूडेंट्स को क्या लगा कि भाई हमारा स्पोर्ट्स का या जो फिजिकल एजुकेशन का पीरियड था इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इस वक्त हमें खेलना चाहिए था लेकिन हम खेल नहीं रहे, हम कहाँ जा रहे हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं हम उसको वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्योंकि उसने अपना जो वक्त है वो किसी और को दे दिया। और ये प्रैक्टिस आज से नहीं हो रही, ये बहुत दिनों से, जब से इंडिया में फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ये 1914 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो एम सी कॉलेज जो है मद्रास में, वहाँ से ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, पहले सर्टिफिकेट कोर्स, देन करते करते आज पीएचडी और पोस्ट डॉक सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लोगों की डेवलप हुई, तो अब उसको उस तरह से वेटेज दे रहे हैं। अब बेसिकली क्या है कि जो हम खुद अपने आप को, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो खुद को हरदम कोशिश करते हैं कि हमें स्पोर्ट्स टीचर बोला जाए या फिजिकल इंस्ट्रक्टर बोला जाए, इस तरह के जो डेजिग्नेशन है वो बोलने के लिए खुद और खुशी खुशी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। बेसिकली देखिए, इसके साथ एजुकेशन जुड़ा हुआ है, फिजिकल और साथ में एजुकेशन, जब एजुकेशन इसके साथ में आपने जोड़ दिया तो इसका मतलब ये एजुकेशन ही है। और एजुकेशन का जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि ह्यूमन, मतलब वो ह्यूमन बनाने की बात करते हैं, इंसान बनाने की बात करते हैं। और ऑब्वियसली वो चीज़ें हम भी जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो क्लासेस हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, हम भी वहाँ पे भी जब इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें लिस्टेड हैं जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपको बात करनी है, ठीक है, उनके जो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे आपको बात करनी, हर चीज़ उसके अंदर लिस्टेड है। तो आप इसको अलग नहीं कर सकते एजुकेशन से, लेकिन ये जो सब, मतलब मैं कहूँ कि इंडिया में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उन्होंने ही अपने आप को उस कैटेगरी में ला के डाल दिया कि उनको उतनी वैल्यू ना की जाए। उसका रीज़न यही है कि वो एक तो इनिशियल डेज में जो ट्रेनिंग हो रही थी वो उनकी हो रही थी, जो मिलिट्री से रिटायर्ड थे उनको क्या था कि जिस हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त जो मिलिट्री से लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट कोर्स कराते थे, ठीक है, 3 महीने का 6 महीने का इस तरह से करके, और बस उसमें जो उनको ड्रिल ही कराई जाती थी, फिजिकल ड्रिल्स ही कराई जाती थी, तो उनका एटीट्यूड वहीं से बिल्ड होता हुआ चला आया। तो एक जो चीज़ हमें मिली है इतने लंबे टाइम से, तकरीबन अगर हम कहें 100 साल हो गए, तो उसको जाने में टाइम लगेगा। अब खैर एटीट्यूड बिल्ड हो रहा है कि इसको एक्चुअल एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट की कैटेगरी में लेके आ रहे हैं, अब जो लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में जब आप 10 साल बाद या 15 साल बाद इन चीज़ों को देखेंगे तो आप एक अलग ही उसका प्रोस्पेक्ट देखेंगे, मुझे जो उम्मीद है इस तरह से। होपफुली आपका क्वेश्चन को मैंने कुछ आंसर करने की कोशिश की, होपफुली वो चीज़ें। थैंक यू सर। और किसी को कुछ इससे रिलेटेड?
बेसिकली जो मैंने कोशिश की, मैंने फिर एक बार मैं और क्लियर कर दूं, जो मैंने समराइज कर दूं चीज़ों को जो मैंने बताया. मैंने योग के बारे में बताया और योग का जो मैंने डेमोस्ट्रेशन किया लास्ट में, मतलब डेमोस्ट्रेट से मतलब जो चीज़ें मैंने सजेस्ट की या बताई वो क्या थी कि योग के अंदर जो हठ योग का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर बात की. और हठ योग में भी पूरी चीज़ें नहीं बताई मैंने, सिर्फ पोजेस के ऊपर बात की. इसके अंदर जो क्लिंजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको षट क्रिया, षट मतलब होता है सिक्स, ठीक है. तो सिक्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है. इसमें आप अपने इंटेस्टाइन को कैसे क्लीन कर सकते हैं, अपने एब्डोमेन को कैसे क्लीन कर सकते हैं, ठीक, अपने जो नज़र कैविटी है उसको किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर. खैर ये सारा हठ योग के अंदर आता है. बाकी जो है राजयोग, जनन योग, ठीक है, और जो हम कहें कि भक्ति योग, इन सब चीज़ों पर एक्चुअल में कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, उन चीज़ों की बात भी नहीं होती. वाकई में ज़रूरत है हमें उन चीज़ों की, जो क्योंकि उसका जब आप पढ़ेंगे ना उसका और डिटेल में जब आप बात करेंगे तो आपको लगेगा यार बहुत रिच है चीज़ें इसके अंदर, लेकिन हम उसको उस तरह से परसीव नहीं कर पा रहे. वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट स्टेज है हमारी अभी. तो किसी और को अगर कुछ पूछना है या फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से आप लोग लगे, आज तो आप और पहले से ही लगे हैं लगता है, सब लोग 11 बजे से ही एंगेज हैं. के तो मेरी तरफ से थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए आप लोग. थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज विद अस एट दिस इवेंट एंड नाउ आई ऑफिशियली इंक्लूड दिस इवेंट. हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू ऑल.